गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, परमाणु संरचना। परमाणु यानी एटम, एटम की संरचना किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमाणु क्या होता है, हम परमाणु को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए एग्ज़ाम में तो हम किस तरह से इसकी परिभाषा लिखेंगे। ये परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, यदि किसी पदार्थ का निरंतर विभाजन किया जाए, यानी पदार्थ को लगातार तोड़ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, तो जो सबसे छोटा भाग हमें प्राप्त होता है, जिसके बाद अगर हम तोड़ना चाहें तो भी हम उस भाग को नहीं तोड़ पाते, मतलब सबसे छोटा भाग हो गया, सबसे छोटा भाग, यानी अब हम और तोड़ना भी चाहेंगे तो हम उसको नहीं तोड़ पाएंगे, तो उस भाग को हम क्या कहेंगे, परमाणु। कोई हमारे पास पदार्थ है, हम उसको तोड़ते जाते हैं, लगातार उसका विभाजन करते जाते हैं, फिर एक ऐसा सबसे छोटा भाग हमें प्राप्त होता है जिसको और विभाजन करना संभव नहीं हो, जो अविभाज्य हो, जिसको हम आगे और नहीं बांट सकें, वो सबसे छोटा भाग परमाणु यानी एटम कहलाता है। इस परमाणु यानी एटम की संरचना को सामान्य बुक में इस चित्र द्वारा समझाया जाता है, जिसमें केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु पे धन का निशान है, प्लस का, और इसके चारों ओर कुछ कक्षाएं हैं, जैसे एक कक्षा ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो केंद्र में तो है धन और इसके चारों ओर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में लगातार घूमते रहते हैं, लेकिन धन के संपर्क में नहीं आते, क्योंकि धन आवेश के संपर्क में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज और धन का प्लस चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। ये धन क्या कहलाता है, ये धन कहलाता है हमारा नाभिक। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ नाभिक, तो ये धन है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक में कौन कौन से भाग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक या किसी परमाणु के नाभिक में दो भाग होते हैं, एक भाग प्रोटॉन, एक भाग न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर नाभिक बनता है, और ये जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये तीसरा भाग इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं, पहला घटक प्रोटॉन जो कि नाभिक में होता है, दूसरा घटक न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में होता है, और तीसरा घटक इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर एक फिक्स कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। आया ये बात समझ में, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और ये किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग है, अब इसको हम तोड़ के और छोटे भाग में नहीं बदल सकते हैं। तो नाभिक के घटक कितने हो गए बेटा, तीन घटक, ठीक है। अब इन तीनों घटक के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, जैसे पहला घटक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के पी से आप याद कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस वन चार्ज। प्रोटॉन के अगर वजन की हम बात करें तो वजन होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम जी। इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं, एक यूनिट कौन सी, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इस पूरी को हम एक यूनिट अगर मान लें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट कितने किलोग्राम के बराबर है, 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। ये बराबर है किसके, एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट के। तो एटॉमिक मास यूनिट में हम इसलिए इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें फिर ये डिजिट, ये किलोग्राम में कंपैरिजन करने में थोड़ी सी स्टूडेंट लेवल पे और दिक्कत आती है। अब ये जो प्रोटॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पाया जाता है नाभिक में, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी सर, रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे जिनका परमाणु मॉडल हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने ये पता लगाया कि किसी परमाणु के केंद्र में एक धन आवेश होता है, वो धन आवेश क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ऐसे ही हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, जो कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, यानी माइनस वन।
जैसे प्रोटॉन पे प्लस वन, ऐसे इसमें माइनस वन, लेकिन इसका वजन अलग होगा। इलेक्ट्रॉन का वजन होगा 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। तो देखिए बेटा, यहाँ माइनस 27 है, यहाँ माइनस 31 है, भले ही यहाँ एक है और यहाँ 9 है, है ना, ये 9 है, लेकिन यहाँ माइनस 27 है और यह माइनस 31, यानी ये हुआ हल्का। तो यह यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 200 गुना हल्का, ये हल्का है क्योंकि माइनस 31 है या माइनस 27 है। तो इलेक्ट्रॉन हल्का है, प्रोटॉन भारी है, और इलेक्ट्रॉन कितना हल्का है, लगभग 200 गुना हल्का है इलेक्ट्रॉन, किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जी, है ना। तीसरा जो मैन है न्यूट्रॉन से आज कर सकते हैं न्यूट्रल, यानी जिस पे कोई चार्ज नहीं हो, ना धनावेश हो ना ही ऋणावेश हो, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है, न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन के वजन की बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं कि वेट की बात करें हम, तो न्यूट्रॉन का वजन बराबर होता है प्रोटॉन के वजन के, न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन के वजन की बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो वजन किस का बराबर है, अगर हम वजन से दोनों की तुलना करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या बराबर है, वजन। लेकिन अगर हम आवेश या चार्ज की बात करें तो आवेश या चार्ज किसका बराबर होता है, ये बराबर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। आवेश प्रोटॉन का प्लस इलेक्ट्रॉन का माइनस, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, यानी दोनों के आवेश अलग अलग हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से जितना चार्ज प्रोटॉन पे प्लस होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस होगा, यानी दोनों का चार्ज बराबर होगा। इस पे जितना प्लस, मान लो कि 5 प्लस, तो इस पे भी उतना ही 5 माइनस। तो जब 5 प्लस होंगे 5 माइनस होंगे, और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश है ही नहीं, तो कुल मिला के ये जो हमारा परमाणु है ये क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा उदासीन, क्योंकि जितना प्रोटॉन पे प्लस चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो प्लस से माइनस कैंसिल, तो दोनों का चार्ज बराबर, जितना इस प्रोटॉन पे प्लस उतना इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो कुल मिला के परमाणु हो जाएगा उदासीन। हम एक बार फिर से इसको रिविजन है करते हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, ये इसकी परिभाषा है। सबसे छोटा जो होगा उसको बोलेंगे परमाणु, इसका और आगे विभाजन नहीं कर सकते हैं। इसके तीन भाग होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। प्रोटॉन प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन का वजन 1.67 × 10⁻²⁰ किलोग्राम, इसको AMU एटॉमिक मास यूनिट में चेंज करेंगे तो 1। इलेक्ट्रॉन का वेट, इलेक्ट्रॉन 200 गुना हल्का है किससे, प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉम्सन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये एक सिंपल बेसिक जो 11th-12th लेवल पे सिंपल परमाणु और संरचना का चैप्टर स्टार्ट किया जाता है वहाँ से है। ये नोट्स मैं आपको फ़ोटो खींच के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं। हम आगे परमाणु संरचना और परमाणु के बिहेवियर के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।